अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैसेंजर के ऊपर गेम्स कैसे खेल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मैसेंजर का वर्जन दिखा देता हूं कि इस वक्त मैं कौन से वर्जन का मैसेंजर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाता हूँ और ये सबसे ऊपर मैसेंजर आपको शो हो रहा होगा, मैं इस पर टैप कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि 21 अप्रैल 2020 को लास्ट अपडेट हुई थी और मैं मोस्ट अपडेटेड वन मैसेंजर यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं अपने मैसेंजर को ओपन कर लेता हूँ। अब लेट्स सपोज कि हमने किसी फ्रेंड के साथ गेम खेलनी है मैसेंजर के ऊपर, तो हम उस फ्रेंड के ऊपर टैप करेंगे और इस तरीके से आपकी और उस फ्रेंड की चैट आपके सामने शो हो जाएगी। अब शुरू में क्या होता था कि जब हमने किसी फ्रेंड के साथ गेम खेलनी होती थी तो हम इन 4 डॉट्स पे टैप करते थे और यहाँ पर गेम का ऑप्शन शो हो जाया करता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई गेम का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। उसके बाद जो अपडेट दी गई उसमें गेम्स को खेलने के लिए या गेम के पेज को ओपन करने के लिए हम इमोजी पर टैप करते थे और फिर इमोजी के ऊपर टैप करते थे और फुटबॉल या बास्केटबॉल को हम सेलेक्ट करते थे और यहाँ से सेंड कर दिया करते थे। तो उसके बाद हम इस पिक्चर के ऊपर, यानी कि जो फुटबॉल आपको नजर आ रहा है, इस पर अगर हम टैप करते थे तो गेम्स वाला पेज ओपन हो जाया करता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मैं इस पर मुसलसल टैप करता जा रहा हूँ लेकिन कोई गेम का पेज ओपन नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप मैसेंजर के ऊपर गेम्स को खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस न्यू अपडेट के आने के बाद। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अपने मैसेंजर को क्लोज कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी फेसबुक को ओपन कर लेना है, यानी कि जो ऑफिशियल फेसबुक की क्लासिक ऐप है उसको आपने ओपन कर लेना है। उस पर आप टैप करेंगे और इस तरीके से आपकी फेसबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने इन 3 लाइंस के ऊपर टैप करना है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा गेमिंग का, इसके ऊपर आपने टैप कर देना है और इस तरीके से आपके सामने गेम्स वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि रिसेंटली प्लेड गेम आपके सामने आ जाएंगी और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो मजीद गेम्स आपको शो हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज कि हमने लूडो जो है वो खेलनी है अपने दोस्तों के साथ। लूडो क्लब के ऊपर मैं टैप करता हूँ और ये आपके सामने लूडो क्लब जो है वो लोड हो रही है। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि टर्न ऑन मैसेजेस फ्रॉम लूडो क्लब, तो आपने इनको टर्न ऑन कर देना है और इस तरीके से लूडो क्लब आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब अगर आप प्ले नाउ के ऊपर टैप करें तो ये इंस्टेंटली आप रैंडम मैच किसी भी प्लेयर के साथ खेल सकते हैं। अगर आप 2 प्लेयर्स पर टैप करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 5000 कॉइन्स एंट्री फीस है और जीतने वाले को 10000 कॉइन्स मिल जाएंगे। तो अगर आप स्टार्ट पे टैप करें तो रैंडमली किसी भी प्लेयर के साथ दुनिया में आपका मुकाबला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स का। अगर आप फ्रेंड्स के ऊपर टैप करें तो उसके बाद आपके सामने 2 मोड जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, एक है क्लासिक वाला और दूसरा है रश वाला। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा मोड जो है वो खेलना चाहते हैं और इस तरीके से आपके सामने फ्रेंड्स की लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। अब जिस फ्रेंड के साथ आप खेलना चाहते हैं उस फ्रेंड के नेम के आगे प्ले का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आपने प्ले पे टैप कर देना है और इस तरीके से आपके दोस्त के पास इन्विटेशन जो है चला जाएगा। अगर आपका दोस्त इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद आपने स्टार्ट गेम पे टैप कर देना है। इसके अलावा आप इनवाइट मोर पे टैप करके मजीद दोस्तों को भी गेम के अंदर इनवाइट कर सकते हैं। अब अगर आप कोई और गेम खेलना चाहते हैं या मजीद गेम्स जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको कंट्रोलर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने टैप कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि वही वाला पेज आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप स्क्रॉल अप करें तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम गेम्स की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएंगी। अब इसमें से जो गेम आप खेलना चाहते हैं सिंपल आपने उसके ऊपर टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स ये प्रोसीजर था मैसेंजर के ऊपर गेम्स को खेलने का। उम्मीद कर सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप आसानी मैसेंजर के अंदर गेम्स जो है उनको खेल पाएंगे। तो फाइनली अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।